श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार द्वारा जन कल्याणार्थ के लिए चल रही श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन की शुरुआत कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा जिम्पा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि व पंजाब एग्रो चेयरमैन मंगल सिंह, सब रजिस्ट्रार वन मनिंदर सिद्धू, श्री देवी तला मंदिर के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, डॉक्टर आशीष कपूर, डॉक्टर नवनीत कपूर, राजकुमार मदान, पवन सेतिया के साथ विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जिया किशोरी व आयोजक प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा, महेश मखीजा, राहुल बाहरी ने दीप प्रज्वलित कर की। विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जिया किशोरी ने जालंधरवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए स्वर्ग की देवी माँ सरस्वती की आराधना कर भजनों का गुणगान किया, जिसके बाद आध्यात्मिक प्रवक्ता जिया किशोरी ने ध्रुव अजामिल की कथा, विश्व रूप चरित्र गयासुर की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा सुनाकर खचाखच भरे पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं के मन को आनंदित कर दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनना और भगवान को अपने मन में बसाने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने 5 लाख की राशि संस्था को भेंट करने की घोषणा करते हुए सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 2.5 लाख की राशि संस्था को भेंट करने की घोषणा करते हुए कथावाचक जिया किशोरी के पंजाब जालंधर में दूसरी बार आगमन का श्रेय विधायक रमन अरोड़ा को देते हुए कथा की सफलता की बधाई दी। इस अवसर पर आयोजक प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा के साथ महेश मखीजा, राहुल बाहरी, राजू मखीजा, राजू मदान, दविंदर वर्मा, अरुण आनंद, विनोद शर्मा, शिवम मखीजा, गौरव अरोड़ा, आतिश अरोड़ा, गीता अरोड़ा, राधा मदान, साक्षी अरोड़ा, बॉबी मखीजा, दीपिका बाहरी, ममता मखीजा, रमेश अरोड़ा, बिट्टू, दीपक कुमार, राज अरोड़ा, ऊर्जा मदान, श्याम शर्मा, सोनू बजाज, मनीष बजाज, हनी भाटिया, हितेश चड्डा ने अहम सहयोग दिया व बॉबी मखीजा को सराहनीय सहयोग देने हेतु गणमान्यों सहित विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। बहुत ही कृष्ण भगवान की कृपा है भी एड़ा भागवत सप्ताह है। मनु पिछली बार भी इस मंच से आके जय किशोरी जी का श्रवण करन का मौका मिलया और भगवान के चरणों च नमन करन का मौका मिलया। और क्योंकि मैं पता ऑलरेडी लेट है, मैं कोई टाइम नहीं लेना। मैं धन्यवाद करदा अपने ब्रदर MLA तुहाडे जलंधर रमन अरोड़ा जी का कि ये बड़े प्यार दे नाल और बड़े अदब दे नाल हमेशा ही कहिंदे ने जी चाहे एक मिनट दे लई आओ और जय किशोरी जी के घट्टो घट दर्शन करके चाहे एक मिनट ले भगवान के चरणों च मेरा उही कहिंदे ना भगवान का तो सिर्फ ख्याल ही आदमी नूं उच कोटी उच लोगों नाल जोड़दा है। सो मैं जिन्नी संगत बैठी है खास तौर पर पिछली बार भी मैं जो आया सी भैणा बहुत ज़्यादा गिनती दे भैणा और भरा अज भी बहुत ज़्यादा गिनती दे विच है। सो मैं ये जिहड़ा प्यार भरिया निमंत्रण है रोड़ाई का वो भागवत सप्ताह का तो भागवत सानू जिहड़ी है ये परमात्मा के चरणों च जुड़न वाली कथा है, वैराग्य की कथा है, मोक्ष की कथा है। सो ये बड़े भागना नसीब होंगी है और सानू हर वेले फिर सिमरन करन दे लई प्रभु चरणों च लैके भी जाती है क्योंकि असीं जदों सुनते हैं तो और खास तौर पर जय किशोरी जी और जो इदा जिन्होंने परमात्मा की यह ला ये कोई एक एक जन्मां का तप नहीं होंदा भी कई जन्मां तो चले आ रहा तो यह जहा जो जन्म है आदमी का सफल होंदा आके। सो मैं एक छोटी जी तो छोड़ा इन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है तो मैं एक 5 लाख रुपया जोड़ा हैगा इस सभा जरूर जोड़ा हैगा रमन जी ने भजा देना। सो बहुत बहुत मैं सब तो बड़ी गल है मैं अपने वालों और अपने बहुत ही मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के वालों आम आदमी की सरकार वालों ये जोड़ा हैगा इतने अपनी हाजरी जी है प्रभु चरणों च लगा रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। एक बार सारे रल के धन्यवाद कर दो। इन्होंने संस्था को 5 लाख रुपया देता है। मैं अपने वालों और अपने सारे साथियों वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता। एक बार जोरदार ताड़ियां लगा दो जी।
जयकारे वीर बजरंगे। पूरे पंजाब को जो यहाँ से आज जया किशोरी जी को सुनने के लिए पहुँचे हैं, आपका जया जी आपका बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। वेलकम टू पंजाब। और मैं तो खुद आपको सुनने आया हूँ, ज़्यादा समय मैं बोल के बर्बाद नहीं करूँगा, आपको सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो बहुत बहुत सिर्फ इतनी बेनती कि बार 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 पंजाब आते रहिए। जब बड़े भाई रमन जी ने हुक्म किया कि आपने पहुँचना है, तो ऐसा लगा कि जैसे एक बड़े लंबे समय से जो दिली इच्छा थी वो भगवान ने पूरी कर दी है कि आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय श्री राम।